अयोध्या से, वहां पता लग गया कि उनकी क्या हैसियत है, ये किसी वर्ग विशेष में बड़ी पैंट है। अब गठबंधन के बड़े बड़े नेता सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते रह जाएंगे, समर्थन करते रह जाएंगे, लेकिन यह देखा तो भैया भाजपा के कार्यकर्ता तो तने होशियार है कि पुनिया जी की पुरानी वीडियो खोद निकाली और सोशल मीडिया पर फेसबुक पर वायरल कर दी, आग की तरह फैला दी और भोरे भोर तो अखबारों में खबर छपी रहेगी। देखो भैया ऐसा है, बाराबंकी की लोकसभा सीट पर राम नाम बहुत भारी पड़ रहा है, बाकी जातीय समीकरण तो बलिहारी है। आपका बता दी कि बाराबंकी की लोकसभा सीट भैया देखा थी अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है और यहाँ पर राम जी का नाम बहुत भारी पड़ रहा है और जातीय समीकरण बलिहारी पड़ रहा है। तुम भैया चुनाव में राम जी के नाम की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकती हो कि जब नामांकन की बात आवती है तो तरछुनिया देखा जो राम जी का अंगोछा डाल करके जाती है, बजरंग बली का आशीर्वाद लेकर के जाती है नामांकन करे खाते। बाकी भैया इनके साथ देखा थे जातीय समीकरण का साधे के लिए सदर विधायक सूर्य सदव जी और कुर्मी समाज से आने वाले सुंदर वर्मा जी, रावत समाज से आने वाले राम सागर रावत जी और मुस्लिम समाज से आने वाले इरफान कुरैशी जी, सब जने जाते हैं साथ में नामांकन करती हैं। वहीं बगत भाजपा प्रत्याशी भी कम नहीं है भैया, राजनाथ रावत जी तो सीधे करेंगे, देखो भैया अयोध्या में राम मंदिर बनवा दी मोदी जी, और का भैया सीधे बगत खुल करके वोट मांगती हैं। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भैया सबसे बड़ी उपलब्धि यही बताओ कि देखो भैया राम मंदिर बना दे तो वोट डाले खातिर जाओ तो तनिक राम जी का ध्यान दे रहे हो भैया, और मतदाता भी अच्छी तरीके से जाना है कि देखो भैया ऐसा ही लोग राम राम जी की माला यह जपती है चुनावी नहीं पार करे खातिर। इसके साथ ही साथ भैया बीजेपी का नेता या कार्यकर्ता हो जाती है समीकरण पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था, तो देखा थी हो पुराने इतिहास के बारे में बात कर रहा है, इतिहास के बारे में भैया बात करना भी बहुत जरूरी है। तब तो देखा थी हो राम सेवक यादव जी के बारे में जिक्र करती है कि देखो कांग्रेस का जब जलवा रहा है बहुत बड़ा प्रभाव रहा है तो निर्दलीय चुनाव में खड़े हो गए रहे, इतिहास रच दिन नहाए, दूसरी बार तो मैं कहता सोशलिस्ट पार्टी से भी सांसद रहे और 12% यादव मतदाता पर भैया उनकी मजबूत पकड़ मानी जाता है, बाकी उन्होंने भैया कभी भी जो है कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, कांग्रेस की खिलाफत करी, और 13% कुर्मी वर्मा मतदाता जो है भैया बेनी प्रसाद वर्मा जी के नेतृत्व तो का आज स्वीकारते हैं। तब तो देखा थी हो बेनी प्रसाद वर्मा जी ने भैया जब सपा छोड़ करके 2007 में कांग्रेस का दामन थामा था, फिर बाकायदा वर्ष 2014 में इनके घर वापसी हो गया, तब बाकायदा डॉक्टर पी एल पुनिया जी कुछ कहीं ना है, वही बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इन्हें मुझे सुन लो भैया कहा था कुछ ज्यादा ही बोल गए हैं भैया, कुछ ज्यादा ही तनिक सुने लो। प्रसाद वर्मा जी राजनीतिक अनुभव बहुत है, समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी में रह के समाजवादी पार्टी खिलाफ काम करते रहे, कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करते रहे, तो ये तो उनकी फितरत है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को लाभ है, जो भीतर घात से जो नुकसान वो यहां रह के करते थे कम से कम उससे तो निजात पाएंगे और कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। उनका एक लोग कहते हैं कि किसी वर्ग विशेष में बड़ी पैंट है, तो उनका अपना चुनाव उन्होंने लड़ा 2007 में अयोध्या से, वहां पता लग गया कि उनकी क्या हैसियत है, अपने बेटे को पिछले विधानसभा का चुनाव लड़ाया है, तीसरे स्थान पर रह गए, तो वो सब लोग उनकी जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के उनके यहां से जाने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं हुआ, जिस पार्टी में रहते थे उसी पार्टी की खिलाफत करते थे, अपने लड़के को नहीं जिता पाए। अब इस तरह की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होगी भैया तो कुर्मी मतदाता तो प्रभावित होबे करेगा, और यह वीडियो प्रसारित करने के पीछे मकसद भी यही लग रहा है कि देखो भैया कुर्मी मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। बाकी हम इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपका बता दें कि स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के पुत्र राकेश वर्मा इस समय जो है इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं और तनुज पुनिया के खातिर वोट मांग रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, तब भैया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। बाकी भैया कल दोपहर का हमारी पुनिया जी से बात भाई रहा तो कहेंगे देखो मैं ऐसा कोई बयान नहीं दिया, आप दिखाइएगा तो हमने उनको व्हाट्सअप भी कर दिया। बाकी आपका बता दें कि वर्ष 2009 में भैया पुनिया जी जैसा माहौल बनाई ना वैसे बखदा वर्तमान माहौल बनाना चाहते हैं, क्योंकि गठबंधन की ओर से भैया कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के पिता डॉक्टर पी एल पुनिया जी वर्ष 2009 में बकायदा कांग्रेस के टिकट पर बाराबंकी जिले से सांसद चुने गए थे और सभी दलों का इनका साथ मिला था, सभी लोगों ने इनका समर्थन किया था, वैसे बकायदा देखा थी हो तनुज खातिर ही पूरा माहौल बनाना चाहती हैं। लेकिन तुमका एक चौ बता दी कि बाराबंकी जिले के सदर क्षेत्र में अगर सपा के विधायक तनुज पुनिया खातिर वोट मांग रहे समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं देवा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र यादव भी भाजपा खातिर वोट मांगे काम कर रहे हैं। अब भैया पूरी तरीके से जिले में यादव और कुर्मी मतदाताओं को भी ईवीएम में साइकिल का निशान जो है भैया वो बतावा जा रहा कि नहीं है, तो राम जी का तनिक ध्यान दिए रहो। बीजेपी के जो भैया कार्यकर्ता बहुत होशियार है, बताओ थे कि देखो अब कितनी बार साइकिल का नहीं है निशान ईवीएम में, तो तनिक ध्यान दिए रहो, राम जी का नाम लिए रहो, का बात है भैया। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शंबा साहब जी को बेल आइकन जोड़ दो, बाकी अखबार में खबर छपी रहा तो हम कहना तो नहीं आपका बता दी।